देख बिना पे। डाउनलोड टक ऐप। वहां पर बेटियों के साथ जो अत्याचार होता है, किस तरह जबरन शादी करके उन्हें धर्म परिवर्तन पर मजबूर किया जाता है। हम आज ये कैसे अपने हाथ में ले लेते हैं, लोगों को जबरदस्ती मुसलमान करना, किसी शादियां करके औरतों को करना। यहाँ आज पर्दे और पहरे के बीच से गुजरती ये 24 साल की हिंदू लड़की भारती है, जिसे धोखे और धमकी से बुशरा बना दिया गया है। उसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराकर मुस्लिम शख्स से शादी करा दी गई। नई पहचान, नए धर्म के साथ भारती पर जुल्म की इंतहा हो रही है। कराची से 215 किलोमीटर दूर हाला शहर में बड़े धूमधाम से भारती की शादी हिंदू लड़के से हो रही थी। एक मंदिर में रीति रिवाज चल रहे थे, तभी हाला में रहने वाले 24 साल का शाहरुख गुल नाम का शख्स कुछ लोगों और पुलिस के साथ मौके पर पहुंचा। पुलिस के डंडे के जोर पर भारती बाई का दिन दहाड़े अपहरण किया गया। बाद में भारती के इस्लाम कबूल करने और शाहरुख गुल से शादी करने के कागजात सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए। तस्वीर में भारती के साथ जो शख्स दिख रहा है, यही शाहरुख गुल है। शाहरुख गुल की कैद में फंसी भारती चेहरे से ही डरी सहमी दिख रही है। खुद को कानूनी शिकंजे से बचाने के लिए बड़ी चालाकी से भारती बाई के धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट भी बनवा दिया गया। दावा किया गया कि भारती ने पिछले साल 1 दिसंबर को ही इस्लाम कबूल कर लिया था। धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट कराची से जारी हुआ है। भारती का परिवार बेटी की सही सलामत वापसी के लिए पाकिस्तान पुलिस की चौखट पर गुहार लगा रहा है। बड़े ही शर्म की बात है मानवता के लिए। इमरान खान साहब, क्या आप ऐसा रियासत मदीना बनाना चाहते थे? बड़ी शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए कि आप अल्पसंख्यकों की बच्चियों को इस तरह जबरन अगवा कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान की सरकार को इसके ऊपर जरूर सोचना चाहिए और इस इशू को यूनाइटेड नेशन तक लेके जाना चाहिए। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। उन पर जुल्म की जमीन फैलती जा रही है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस घिनौने सच को कबूल कर रहे हैं। या लोगों को बंदूक की नोक के ऊपर हम कहें कि मुसलमान हो जाओ, या उनको मारे उनके दीन की वजह से, ये तो सब चीजें गैर इस्लामी है। पाकिस्तान में कभी हिंदू तो कभी सिख लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले बेरोक टोक जारी हैं। ननकाना साहिब में भी भीड़ ने सिख लड़की का अपहरण कर लिया था। यही वजह है कि पड़ोसी मुल्क में अल्पसंख्यक बेहद खौफ में जी रहे हैं।